आज पाकिस्तान रु से समय भारत बर्ष रु लाहौर अंचल पल आसिले पल आसी आम भुवनेश्वर कैंटीन रे सिंगड़ा बिकले से परवर्त अवस्था आगे बढ़ी भुवनेश्वर नवकलेवर करेबारे भी दिनदारी भाव काम करले। भारत बर्ष को राज्य नहीं को जिला नहीं जोटी विभाजन पदध्वनि से शुणापी मिल ना अकुहा कथा अकुहा व्यथा के लोक आत्मीयता को आत्मीय मान को छाड़ी आसने के लोक आत्मीय मान को बलिदान दे के परिवार निजर बढ़ला झील को अत्याचारित हबार स्वचक्षुरे धरी देखिकी जीवन तमाम जीवन मु भुवनेश्वर एक प्रकार दुई तीनोटी परिवार को जाने जो मानकर पीड़ा आज भी छाती भितर कोह भावे बांधी अच्छी से दिन विभाजन कहानी आज नुआ पीढ़ी से विषय जाने आज नुआ पीढ़ी से विषय केवल बहिरे पढ़ु से गोटे कृतज्ञ राष्ट्र कृतज्ञ देश बलिदान को केवे भूलिबा उचित नुहे। बलिदान को भूलिले त्याग को भूलिले समर्पण को भूलिले समाज दिग्भ्रष्ट हो पारे समाज आमोद प्रमोद समय बीते पारे ये देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री आह्वान करले आसंतु आम समस्ते 15 अगस्त तो मन आसुचंती आगामी शताब्दी शताब्दी धरिका को मनवा किंतु 14 अगस्त को भी विभाजन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भाव या पालन करवा से आज भारत सरकार पर संस्कृति विभाग तरफ राज्य सरकार मानको निवेदन करा जाए ची। जिला प्रशासन को अपेक्षा रखा जाए ची। भारत सरकार पर विभिन्न मंत्रालय गुड़ी को निवेदन करा जाए ची। गोटे प्रदर्शनी माध्यम आज यही समय देश में 5000 जगार यह प्रदर्शनी आज उद्घाटन हो प्रदर्शनी उद्घाटन उद्देश्य नुआ पीढ़ी जानु जे कौन बीती आम समाज कौन कौन होता तार इतिहास पढ़ू से कथा को मन पकाउ मन पक भविष्य भविष्य में प्रेरित हो यही संक्षिप्त उद्देश्य मु ईस्ट कोस्ट रेलवे को धन्यवाद देवी मत श्रीवास्तव महाशय कहते ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन 37 जगार ए भाया प्रदर्शनी सब जिला केन्द्र यही समय आज उद्घाटित होर्धा डिजन केवल 19 जगार हो धन्यवाद देवी रेलवे विभाग स्कूल विभाग तरफ रु उच्च शिक्षा विभाग तरफ रु देश आज पखापाखि 1500 जगार 1500 विद्यालय आगामी सप्ताह व्यापी विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी लग रुग शिक्षा विभाग दायित्व देशर प्रेरणा को नुआ पीढ़ी पाखे पहुँचवा ये उद्घोषक बंधु कहते जे कड़े आम इतिहास पुनर्रचना करार कम लगुच मुझे विनम्रता सहकार संशोधन करने चाहे मोदी सरकार इतिहास को पुनर्रचना करार कम लगे कारण किसी लोक मैंने देश में इतिहास को ढंग से बनई गोटे परिवार गोटे समूह जमती देश को स्वाधीनता आनी कहे आज ओडिशार खबर कागज रे मोर जिलार बाजी राउत ना आस वैष्णव पट्टनायक ना आसी जातीय स्तर में बाजी राउत को किए जाने
12 ବର୍ଷର ପିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପରେ ଦବି ନ ଯାଇକି ଗୁଳି ଖାଇବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଏପଟକୁ ସେପଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ କରେଇ ଦେଲାନି। ଦେଶ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଦେଶ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ 1803-04 ମସିହାରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମାଧବ ସିଂ, ହାତି ସିଂ, ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ, ଦୌରା ବିଷୋଇ, ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାମକୋ ସିଂହରେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗକୁ ବି ଅଧିକା ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ଆଜି ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ମୋଦୀ ସରକାର କଟିବଦ୍ଧ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅଜଗ ନାୟକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ବଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଗଲା। ଇତିହାସ ପୁନର୍ରଚନା ନୁହେଁ, ଇତିହାସର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିବା କାମରେ ମୋଦୀ ସରକାର ଲାଗିଛି, ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି, ଅଜଗ ନାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା କାମରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 75 ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ 76, 77, 78, 90, 95, 100 ବର୍ଷ ହେବ 1947 ସୁଦ୍ଧା, ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପୃଥିବୀର 1 ଦେଶ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଶର ନିୟତିରେ ଅଛି, ଏହାକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେନି।